दोस्तों भारत को दूसरे T20 मैच में भी वेस्टइंडीज ने दिखाया आईना, हरा दिया दूसरा T20 मैच बड़े अंतर से। जी हां दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज की टीम के बीच सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जा चुका है और इसका नतीजा ये निकला कि वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेटों से दूसरा T20 मैच जीतकर भारतीय टीम को इस सीरीज में 2-0 से पीछे कर दिया। जहां दोस्तों हम आपको बता दें, इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर 152 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में भारत की बल्लेबाजी एकदम बकवास रही थी, जहां इस मैच में तिलक वर्मा को छोड़ दे तो भारत का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाया था। जहां तिलक वर्मा ने पहले T20 मैच में भी कमाल का प्रदर्शन करा था और दूसरे T20 मैच में भी तिलक वर्मा का बल्ला चला, जहां तिलक वर्मा ने अपने दूसरे T20 मैच में ही अर्धशतक लगा दिया था, उन्होंने 51 रन बनाए थे। जहां तिलक वर्मा के अलावा ईशान किशन ने 27 रन बनाए तो हार्दिक ने 24 रनों की पारी खेली थी और इन 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया था। ऐसे में दोस्तों भारत की बल्लेबाजी खराब होने की वजह से भारत केवल 152 रन बना पाया। जहां वेस्टइंडीज की गेंदबाजी एक बार फिर से इस मैच में काफी कमाल की रही, जहां वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो सरफेट, अजराली जोसेफ और अकील हुसैन ने 2-2 विकेट चटकाए थे। और जब इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि पहले ओवर में हार्दिक ने वेस्टइंडीज को 2 झटके दे दिए थे और वेस्टइंडीज के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। लेकिन एक तरफ दोस्तों निकोलस पूरन ने इस मैच में वेस्टइंडीज के गिरते हुए विकेटों का असर टीम पर नहीं आने दिया, क्योंकि उन्होंने एक तरफे मुकाबले में एक के बाद एक छक्के चौके लगाकर भारत के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई करी थी और उन्होंने 40 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली थी और उनकी वजह से ही वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को 2 विकेटों से जीत पाई। हालांकि आखिरी में जाकर वेस्टइंडीज की पारी थोड़ी लड़खड़ाई थी, क्योंकि 3 रन के अंदर उनके 4 विकेट गिर गए थे और 129 रन के स्कोर पर उनके 8 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लगा था कि इसके बाद भारत की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब मुकेश कुमार 19वां ओवर डालने आए और वेस्टइंडीज को 12 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, और तभी इसके बाद अकील हुसैन और अजराली जोसेफ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके वेस्टइंडीज को 2 विकेटों से जीत दिलवा दी। जहां वेस्टइंडीज की टीम ये मैच 2 विकेटों से जीतकर इस सीरीज में 2-0 की बड़ी बढ़त बना चुकी है। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम अगर एक भी मैच जीत जाती है तो फिर वेस्टइंडीज की टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी। ऐसे में भारत की टीम को अब यहां से अपने लगातार 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों दूसरे T20 मैच में निकोलस पूरन की कमाल की बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऐसे में दोस्तों भारत को अब अपनी टीम पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम यहां से एक भी मैच हारी तो फिर भारतीय टीम ये T20 मैच गवा बैठेगी।